हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सीयूटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूटी एग्जाम होता क्या है। तो सीयूटी एग्जाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपको ट्वेल्थ के बाद मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए काम आता है। ये टेस्ट बेसिकली MCQ बेस्ड होता है और इस टेस्ट को आप अपने बोर्ड्स के बाद लगभग एक महीने बाद होता है आपका ये जो सीयूटी का टेस्ट है। और मोर ओवर वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने बोर्ड्स के लिए अपियर ऑलरेडी आप कर चुके हो और एक नेसेसरी लैंग्वेज जो आपने बोर्ड्स में दी है, राइट। तो ये होता है आपका सीयूटी। और अगर सिलेबस की बात करूँ मैं, तो सिलेबस जो है सीयूटी और जो आपका बोर्ड्स है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए रहता है क्योंकि जो सीयूटी का सिलेबस है वो NTA जो एजेंसी है वो बनाती है और जो CBSE बोर्ड्स का सिलेबस है वो CBSE पब्लिश करती है। तो इसलिए थोड़े जो माइनर डिफरेंसेस हैं वो इस वजह से होते हैं, बट ये माइनर डिफरेंसेस आपको केटर करने पड़ेंगे क्योंकि CUT इज़ अ कॉम्पिटिटिव पेपर, राइट। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हालांकि इस पेपर में भी चॉइसेस होती है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ये क्वेश्चन ये करके ये वाला कर सकते हो। उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जब इसकी कुछ और नोटिफिकेशंस NTA रिलीज करेगा तब। अभी के लिए बस इतना ही है कि CUT कॉम्पिटिटिव पेपर है, तो आपको बेसिकली मेजॉरिटी टॉपिक्स जो है वो कवर करके जानने आप छोड़ नहीं सकते हो, राइट। तो ये सिलेबस के डिफरेंसेस थे। और CUT के थ्रू आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अगर आपको किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो CUT के थ्रू हो जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एडमिशन हो जाता है। और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो CUT के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो ये CUT की इंपॉर्टेंस है आजकल के टाइम में। इसकी जो इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव पेपर है और ये बेसिकली इस पर्पज से लाया गया था कि जो ट्वेल्थ में बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है अच्छा स्कोर करने का, वो रिड्यूस हो सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स का जो इम्पोर्टेंस है वो एकदम नलीफाई ही हो गई है, वो नहीं हुई है। क्योंकि वो जब रैंक आपकी डिसाइड होती है CUT के अंदर, तो वो टाई ब्रेकर की तरह यूज होते हैं आपके ट्वेल्थ के मार्क्स। तो उस हिसाब से आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, राइट। तो अभी तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप CUT को नेग्लेक्ट मत करना, कि जब भी आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे वो मैं अपने वीडियो में बता दूंगी कि कब आएंगे और आपको कैसे कैसे फिल करना है उस फॉर्म को। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट डेडलाइन जो है ना वो मिस ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, आपके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे होंगे, तो यूजुअली क्या करेंगे ना, उस चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे। और फिर जब वो टाइम चला गया ना, उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो चली जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाए, इसलिए मैं अपडेट करती रहूँगी आपको उस बारे में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों को होता है कि बिना मैथ्स के क्या हमारा एडमिशन हो सकता है SRCC जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में, तो इसके लिए मेरा आंसर होगा कि हाँ, आराम से हो सकता है। मेरे पास भी मैथ्स नहीं थी, आई एम अ नॉन मैथ स्टूडेंट। और बेसिकली ना CUT इसी पर्पस के लिए लाया गया था कि जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं वो भी CUT के थ्रू एडमिशन ले सके। तो CUT के बिना आपका BCom ऑनर्स जैसे कोर्स में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन आराम से हो जाएगा। बट हाँ, इसके अंदर ये चीज़ है कि क्योंकि आपको अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है ना, तो उसमें मैथ्स जो है वो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तो ये ब्रॉडली चीज़ें होती है। हालांकि जब आपका फॉर्म आएगा ना, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट देगा जो NTA वो एक डॉक्यूमेंट निकालता है जिसके अंदर आपके कोर्सेज लिस्टेड होते हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट्स, आपके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी पब्लिश्ड होती है। तो आप उससे मैच करके देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, उस हिसाब से आपको कौन सा जो है सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो चीज़ें बहुत इजीली हो जाएंगी अगर आप ढंग से सही नोटिफिकेशंस को फॉलो करते रहे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको कन्वे करनी थी इस वीडियो के अंदर। डिटेल में मैं इसका एक हर स्टेज पर, बहुत सारे फेजेस होते हैं CUT के एडमिशन के थ्रू, बहुत इजीली एडमिशन नहीं होता है, एक बहुत ज़्यादा रिगरस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैं भी गई हूँ। तो मुझे इसकी हर चीज़ पता है, इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें होती हैं यूजुअली स्टूडेंट्स को, वो भी मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिनका
डेडलाइन मिस होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो चुके थे, जिन्होंने सही सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं भरी इसलिए उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो चुके थे। तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हो, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी कि आप उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो और आपका कोई लॉस ना हो। तो इसके सीयूटी से रिलेटेड मैं वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।